बांद्रा जनपद के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं सभी प्रत्याशी अपने अपने कार्यालय खोलकर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बता दें कि आज रविवार को करीब 3 बजे कांग्रेस पार्टी के घोषित प्रत्याशी रामनरेश मिश्रा उर्फ रज्जू भैया के द्वारा पंडित जी के मंत्र उच्चारण के साथ अपने कार्यालय का शुभारंभ अपने बुजुर्ग पिता रामकिशोर मिश्रा व अन्य कस्बे के बुजुर्गों के साथ मिलकर किया गया। इसके बाद पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं व सपोर्ट करने वाले मतदाताओं के साथ मिलकर बैठक करते हुए चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई गई। कांग्रेस के प्रत्याशी रामनरेश मिश्रा ने बताया कि अगर मैं नगर पंचायत अध्यक्ष चुना गया तो पूरे कस्बे का विकास करूंगा और विकास करवाने में किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा। और जिस तरह नगर पंचायत कार्यालय पर नगर वासियों को वहां के कर्मचारियों के द्वारा परेशान किया जाता है, मैं वह होने नहीं दूंगा। सभी का नगर पंचायत कार्यालय में सम्मान होगा। कार्यालय के शुभारंभ के दौरान गंगा विष्णु मिश्रा, गजेंद्र सिंह पटेल, शिवचरण द्विवेदी, रामकिशोर मिश्रा, आदित्य स्वरूप पांडे, पीयूष वाजपेयी, दिनेश रस्तोगी, शिवमंगल निषाद सहित अन्य कार्यकर्ता व प्रत्याशी के चाहने व समर्थन करने वाले लोग मौजूद रहे। बबेरू बांदा से कमलेश चौरसिया की रिपोर्ट। ये उद्घाटन कह लीजिए या कह लीजिए कि प्रत्याशी के द्वारा अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के इस चुनाव की मुहिम को आज से प्रारंभ करना है। औपचारिक रूप से कह लीजिए कि उद्घाटन है, बाकी मैं मानता हूं कि प्रत्याशी के द्वारा बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया गया। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि बबेरू का सौभाग्य होगा कि अब तक के इतिहास में इतना पढ़ा लिखा प्रत्याशी किसी दल ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। बबेरू का सौभाग्य है और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि निश्चित रूप से एक होनहार, इंसाफ पसंद, पढ़ा लिखा, मृदुभाषी, मिलनसार, एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में परिचय का मोहताज व्यक्ति नहीं, ऐसा प्रत्याशी दिया है। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इनकी मृदुभाषा का, इनके मिलनसार चेहरे का लाभ उठा करके पूरी ताकत के साथ बबेरू का चेयरमैन कांग्रेस पार्टी का होगा। और निश्चित रूप से जो अभी तक नगर पंचायत में तमाम तरह के गड़बड़ झाला हुए हैं, यहाँ तक कि 0 काम पर 100% के भुगतान भी हुए हैं, भाई रामनरेश मिश्रा जी के बैठते सारे पर्दे अपने आप उठ कर के खुल जाएंगे और निश्चित रूप से एक पारदर्शी, स्वच्छ, ईमानदार नगर पंचायत का संचालन करेंगे और एक एक गरीब से लेकर के अमीर तक की बात सुनने वाले आपको नगर पंचायत का अध्यक्ष मिलने जा रहा। आज उद्घाटन कांग्रेस कर दिया गया है जी, किस प्रकार? आज हमने उद्घाटन, जैसा कि हमारे सीनियर पदाधिकारियों ने बताया कि उद्घाटन ना कह करके आज मैंने अपने पिताजी के और बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ अपने इस चुनावी बिगुल का हमने प्रारंभ किया है। और निश्चित रूप से बबेरू नगर पंचायत में आज तक परंपरागत जो टेंडर कराना और निधियों का पैसे से रोड संबंधी, नाली संबंधी काम कराना रहा है, यहाँ के आम जनमानस अगर नगर पंचायत की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है तो उसको वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार है। मेरा जहाँ तक अनुभव कहता है, पिछले 8-9 सालों का जो मैंने देखा कि यहाँ का जो आम मतदाता, आम नागरिक, जिनके हम पैर छू करके उनके दरवाजे जा करके आज वोट मांगने का काम करते हैं, जीतने के बाद जब उस प्रांगण में पहुंचता है तो वहां के कर्मचारियों के द्वारा उसको सम्मान नहीं मिलता, उनसे तमाम प्रकार के मांगे की जाती हैं। तो मेरा 3 बिंदुओं पर काम होगा, एक तो नगर का विकास हो, उस विकास में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नुकसान ना हो पाए, और जो व्यक्ति जिनके आशीर्वाद से हम चेयरमैन बनते हैं, अगर वो नगर पंचायत पहुँचे तो उनको ये महसूस हो कि नगर पंचायत का बैठा व्यक्ति हमारे गांव का हमारा अपना बेटा है। और एक बात और कहना चाहूँगा, आज एक विषय बबेरू पे बड़ा तेज चल रहा है, हमारे विरोधी या विपक्ष में एक प्रत्याशी आए हैं जिनको शायद बबेरू में कोई 95% लोग ना जानते हो, बड़े बड़े चेहरे लाए जा रहे हैं बबेरू के अंदर। इस बबेरू के भाग का निर्णय, इस बबेरू में अपने सेवक बनाने का निर्णय बबेरू की जनता करेगी, हमारे बुजुर्ग करेंगे,
बाहर से आने वाले बाहरी नहीं करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आए हुए सभी अपने जिले के पत्रकारियों का, आम जनमानस का और सबसे बड़ा आप सब पत्रकार बंधुओं का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 20 तारीख को अगर आपने हमको मौका दिया तो इस बबीरू को उसका चेयरमैन ने उसका सेवक मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे आप सबको जानकारी है ही है कि नगर पंचायत बबेरू का उपचुनाव हो रहा है अध्यक्ष पद हेतु, तो उसी में नामांकन के पश्चात सभी दलों के प्रत्याशी सामने आ गए हैं। तो कांग्रेस की तरफ से रामनेश उर्फ रज्जू भाई हमारे प्रत्याशी हैं और उसी के लिए आज कार्यालय का शुभारंभ यहाँ कांग्रेस के साथियों के द्वारा किया गया है और इसमें हमारे बबेरू के कांग्रेस के साथी और इनके समर्थक ये सारे यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज से चुनाव की एक शुरुआत प्रचार की एक औपचारिक रूप से हो गई और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आम जनता के बीच में घुसा हुआ जो हमारे प्रत्याशी है, बबेरू की शायद ही कोई ऐसी लोग होंगे जो हमारे प्रत्याशी को ना जानते होंगे, तो पूरा विश्वास है कि इस बार हमारा प्रत्याशी विजयी होकर सबके सामने आएगा। और इसलिए कि अन्य जो प्रत्याशियों की तुलना में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं सामने आ रहा अभी तक हमको नज़र आया कि जिसको सभी जनता अपने आप कह रही हो कि नहीं भाई रज्जू भाई को हम लोग सब जानते हैं, तो इसलिए हमारा प्रत्याशी किसी पर्चे का मोहताज नहीं है ना हमारी पार्टी किसी पर्चे के मोहताज है। और प्रत्याशी लगातार बहुत सालों से संघर्ष कर रहा है बबेरू की समस्याओं के लिए, बबेरू की राजनीति में, तो उसके लिए बबेरू की समस्याएँ बबेरू की राजनीति वो भी पूरी तरह से उनसे परिचित हैं, उनके पूरी तरह समझ रखते हैं और पढ़े लिखे भी हैं, संघर्षशील भी हैं और जनता के हर सुख दुख में पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं, वहां तक जाते भी हैं और सबसे बड़ी बात मृदुभाषी हैं, मिलनसार हैं। उनके अंदर किसी भी प्रकार का, जैसे किसी प्रत्याशी में ये होता है कि हम बहुत अहम हो या बहुत दिखावे की बात हो, उनके अंदर इस तरह की कोई बात सामने नहीं आती है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि बबेरू की जनता का आशीर्वाद उनको इस चुनाव में ज़रूर मिलेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस।